तो मैं पूरी की पूरी सेल साइकिल को जो है वो एक फ्लो चार्ट के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं एक डायग्राम भी उसको बनाऊंगा, लेकिन पहले फ्लो चार्ट को ध्यान से देखो। द होल थिंग दिमाग में आपके चलनी चाहिए, अगर नहीं चल रही है, यहाँ तक कुछ दिक्कतें हो रही है, तो समझ लीजिए सेल साइकिल में कुछ तो लोचा है। सबसे पहले दिमाग में याद करिए एकदम सिक्वेंस वाइज, सबसे पहले अगर सेल जी नॉट फेजेस से जीवन में जा रहा है, मतलब अब ग्रोथ स्टार्ट करने जा रहा है, तो क्या होगा कि ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, और ग्रोथ फैक्टर जो है एक रैस एमएपी के सिग्नलिंग को जो है वो एक्टिवेट करता है। आफ्टर दैट जैसे रैस एमएपी के सिग्नलिंग एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे कुछ मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को नहीं लिखा हूं, लेकिन यू नो दैट कि यहाँ पे CMYC, फॉस, जुन, ये सब पहले एक्टिवेट होते हैं, एंड ये एक्टिवेट करते हैं आपके CDK4/6 साइक्लिन डी को, जो कि जीवन फेज का साइक्लिन कहलाता है, CDK साइक्लिन कहलाता है। और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, एक्टिवेट होते हैं, दे मूव टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मूव करने के बाद, बिकॉज दे हैव द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दिस एमपीएफ दैट, या तो आप माइटोसिस या माइटोजन प्रमोटिंग फैक्टर बोलिए, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बोलिए, बट दिस एमपीएफ एक्चुअली फॉस्फोराइलेट्स रेटिनोब्लास्टोमा। ये जो है रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट कर देता है। नाउ द रेटिनोब्लास्टोमा इज द इनहिबिटर ऑफ E2F, एज यू नो दैट कि अगर मैं यहाँ पे नहीं पता है तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है दिस इज इनहिबिटर ऑफ E2F विच इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और जब तक E2F फ्री नहीं होगा, G1/S ट्रांजिशन नहीं होता, तो ग्रोथ फैक्टर आया, रैस एमएपी के सिग्नलिंग किया, CDK4/6D को बनाया या एक्टिवेट करवाया, वो न्यूक्लियस में पहुंचा, रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट किया, फिर रिलीज किया सम ऑफ द E2F को, यानी कुछ E2F रिलीज हो जाते हैं बिकॉज फॉस्फोराइलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा जो है फॉस्फोराइलेटेड होगा, दे आर गोइंग टू बी इनएक्टिव एंड E2F इज गोइंग टू बी फ्री, और जैसे E2F फ्री होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है जैसे साइक्लिन ई का, CDK2 का, और इवन E2F खुद का भी करवाता है। यानी अब देखो टू और ई बनना शुरू हो जाते हैं, और साथ में टू और ए भी बनते हैं, यानी टू और ई ही जो है अब सेल साइकिल के ट्रांजिशन मतलब जीवन से इसमें जाएगा। लेकिन कुछ फंक्शन परफॉर्म होते हैं, सबसे पहले तो जो आपके ई या टू ई कॉम्प्लेक्सेस है, दे हाइपर फॉस्फोराइलेट रेटिनोब्लास्टोमा, वो खुद ही रेटिनोब्लास्टोमा को और फॉस्फोराइलेट करता है, ताकि इस पॉजिटिव लूप की तरह से और ज्यादा जो है वो ये CDK2E और 2A बनना शुरू कर जाए। इसके बाद रैपिड राइज जो हो जाता है E2F का और आपके CDK2E का हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डीएनए का रिप्लीकेशन एंड सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या करवाते हैं CDK2E, हेलिकेज की लोडिंग भी यहीं पे होती है, मैं यहाँ मेंशन नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूँ, हेलिकेज की लोडिंग, सारी इंफॉर्मेशन इसी दो स्लाइड में मर्ज हो जाएगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड अब जाके G1 से S ट्रांजिशन हो गया, अब S फेज के जो CDKs थे और जो साइक्लिन्स थे, जैसे कि 2A, दे आर स्टिल इनएक्टिवेटेड बाय, ये अभी भी इनएक्टिवेटेड होते हैं APC-CDH1, Protein-27 एंड SIC1, ठीक है, SIC1 ईस्ट का एग्जांपल है, तो इनको हटाना जरूरी है। अभी भी एस फेज के सीडीकेस को बन तो रहे थे, लेकिन इनएक्टिवेट करके रखा गया था, क्योंकि बनना यहीं पे शुरू हो गया था इन्हीं के साथ ही, लेकिन इसको इनएक्टिवेट करके रखा जाता है एस फेज के सीडीके को या साइक्लिन को, क्यों? रीजन बीइंग दैट कि अभी हेलिकेज को पहले लोड तो करे, फिर एक्टिवेट करना है, तुरंत ही एक्टिवेट नहीं करना है, इसलिए उसको इनएक्टिवेट करने के लिए ये सब रख बैठे हुए हैं। अब साइक्लिन 2E जो थे, ये डुप्लीकेशन का इनिशिएशन करवाता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, साथ में 2E ऑल्सो फॉस्फोराइलेट CDH1 एंड Protein-27, ये 2E होता है जो CDH1 और Protein-27 या इवन SIC1 को फॉस्फोराइलेट करेगा, और जैसे फॉस्फोराइलेट होगा, इनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इनको रिकॉग्नाइज करता है आपका SCF, दे आर रिकॉग्नाइज बाय द SCF। SCF जो होते हैं वो एक यूबीक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो अपने एफ बॉक्स प्रोटीन के थ्रू रिकॉग्नाइज कर देते हैं फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट को। इनके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि ये हमेशा फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे पॉली यूबीक्विटिनेट द सबस्ट्रेट एंड प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ दैट सबस्ट्रेट विल अकर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे Protein-27 लिखा गया है, लेकिन Protein-27 हो या CDH1 हो या SIC1 हो, इनका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो गया।
मूविंग अहेड, अब इसके बाद डिसोसिएशन हो जाता है CDH1 का फ्रॉम APC। अब APC इनएक्टिव हो जाता है, CDH1 इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से S फेज का CDK और DDK अब स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यही तो इनएक्टिव करके बैठे हुए थे। अब साइक्लिन 2E ने CDH1 प्रोटीन 27 SIC1 इन सबको फॉस्फोरिलेट करके SCF से रिकॉग्नाइज करवा के SCF ने उसको पॉलीयुबिकुइनेट यूबिक्विनेट कर दिया। SIC1 CDH1 प्रोटीन 27 1 प्रोटीन 27 या प्रोटीन 21 प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन की तरफ चले गए। अब आफ्टर दैट एस फेज के CDK और DDK यहाँ पे एक्टिव होते हैं। अब DDK जो होता है वो फॉस्फोराइलेट करता है MCM हेलिकेज को, इसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट जो है हेलिकेज, डीएनए डिपेंडेंट काइनेजेस, इसीलिए वो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है और जो MCM हेलिकेज लोड हुआ रहता है उसे फॉस्फोराइलेट करता है। और एस फेज के CDK फॉस्फोराइलेट करते हैं हेलिकेज एक्टिवेटर, और हेलिकेज एक्टिवेटर में आप जो है CDC45 जिसको SLD2 या SLD3 या जिंस जिसको हेलिकेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, और साथ में फॉस्फोरेट करते हैं CDC6 CDT1 और ORC को भी फॉस्फोरिलेट करते हैं, ताकि ये CDC6 CDT1 ये सब रिमूव हो जाए ओरिजिन से, क्योंकि रिकॉग्निशन तो यही कर रहे थे और हेलिकेज का एक्टिवेशन हो जाए। अब ये रिमूव होते ही इन CDC6 और CDT1 जैसे प्रोटीन को, एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है जेमिनिन, जो कि इन्हें बाइंड करता है और इन्हें प्रिवेंट कर देता है री इनिशिएशन ना कर पाए, इसलिए इनको इनिबिट करके बैठा रहता है। और MCM हेलिकेज एक्टिवेटेड होते ही, क्योंकि उनको फॉस्फोरिलेट किया था DDK, वो एक्टिवेट होते ही इनिशिएट कर देता है रिप्लिकेशन को, तो एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ऑलरेडी 2E ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था ट्रांजिशन के दौरान ही। ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, जब रिप्लिकेशन हो रहा होता है, तो SMC1 SMC3 जो कि कोहेसिन के पार्ट होते हैं, ये जो है बाइंड करना शुरू करते हैं। क्यों बाइंड करना शुरू करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलरली कोट कोहेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस SMC3 को एसिटाइलेशन परफॉर्म करता है, और जैसे ही एसिटाइलेशन परफॉर्म होता है SMC3 का, SMC3 से बाइंड करता है एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज नोन एज सोरोनिन, और सोरोनिन स्टेबलाइज कर देता है आपके जो है SMC1 और SMC3 को, साथ में SCC1 और SCC3 भी जो जुड़ते हैं। एंड अगर बेसिक तौर पे आपका रिप्लिकेशन नहीं शुरू हुआ होता तो वहां पे दो प्रोटीन PDS5 एंड VIP1 जैसे प्रोटीन जो होते हैं वो अगर सोरोनिन वगैरह नहीं है तो उसको डिसोसिएशन के लिए भी जाने जाते हैं। और यहाँ से फिर सारी चीजें हो गई, कोहेसिन हो गया, रिप्लिकेशन कंप्लीट, नाउ G2 फेज की तरफ बढ़ गए। अब S से G2 फेज की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, यहाँ पे CDK1 और साइक्लिन ए, याद रहे कि CDK1 और साइक्लिन ए फॉर्म करता है मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, और जितने भी G2 में बेसिक फंक्शंस होते हैं वो ये परफॉर्म करता है। और लेट G2 में अब आते हैं दो एंजाइम्स, अरोरा काइनेजेस एंड पोलो लाइक काइनेजेस, जो कि फॉस्फोराइलेट करते हैं कोहेसिन एट क्रोमोजोम आर्म्स पे, याद रहे क्रोमोजोम के आर्म्स पे फॉस्फोराइलेट करते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर पे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि PP2A जो कि प्रोटीन फॉस्फेटेज सुगोसिन वहां पे रहते हैं, और सेंट्रोमेरिक कोहेसिन जो होते हैं दे आर रिटेन्ड और प्रोटेक्टेड बाय द फॉस्फेटेजेस बाय सुगोसिन जो है 332 से जो है वहां पे रहता है। तो ये कहानी हो गई G1 फेज, S फेज और G2 की। समझ में आया क्या? G1 S G2 यहाँ पे इस तरीके से कहानी चलिए, पूरा फ्लो चार्ट मैंने दे दिया कैसे चीजें हो रही हैं। अगर दिमाग में चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो और भी अच्छी बात है। ग्रोथ फैक्टर आया, 460 एक्टिवेट हुआ, न्यूक्लियस में गया, रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोलेट किया, UTF फ्री हुआ, UTF ने 2E बनाया, 2E ने हेलिकेज की लोडिंग करी, सेंट्रियल डुप्लीकेशन स्टार्ट किया, फॉस्फोलेट किया CDH1 प्रोटीन 27, और इन सबको रिकॉग्नाइज किया SCF ने, उनको प्रोटीन यूबिक्विनेट करके डिग्रेड करवाया, APC इनएक्टिव हो जाने की वजह से CDK DDK फ्री हुए, DDK ने MCM को हेलिकेज करके एक्टिवेट किया, CDK ने जो है आपके एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्सेस हो गए CDT6 और ORC या CDT1, इन सबको फॉस्फोलेट करता है जिससे कि आपका जो है ये सब हट जाए, जेमिनिन उनको प्रोटेक्ट करता है री इनिशिएशन से। इसके बाद जो है कोहेसिन भी आ जाता है ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, कोहेसिन
को एक्टिवेट करना या स्टेबलाइज करने के लिए एसिटाइलेशन होता है SMC3 का, सोरोनिन को स्टेबलाइज करता है, लेकिन अगर सोरोनिन बाइंड नहीं रहेगा या एसिटाइलेशन नहीं होगा तो PDS-5 या VIP-1 जो है बार बार उसको हटाते रहेंगे कोहेसिन को, लेकिन अगर ये सब सोरोनिन आ जाएगा तो PDS-5 और VIP-1 अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते ड्यूरिंग द G2, CDK1 और साइक्लिन ए जो होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट G2 में पोलो लाइक काइनेजेस एंड अरोरा काइनेजेस जो होते हैं वो सेंट्रोमेरिक कोहेसिन को नहीं हटा पाते बाई द क्यों, क्योंकि वहां पे PP2A या सुगोशीन होते हैं और आर्म से कोहेसिन को हटा देते हैं क्योंकि फॉस्फोलेट करके वो सारी चीजें हो जाती है। क्लियर है यहाँ पे? मूविंग एंड फर्दर अगली स्लाइड, माइटोटिक साइक्लिन। अब G2 से M की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास माइटोटिक साइक्लिन, और माइटोटिक साइक्लिन है साइक्लिन बी और CDK1। दे आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग, ये सिंथेसाइज होते हैं S फेज और G2 फेज के दौरान। अगर दिमाग में ध्यान हो तो साइक्लिन बी पहले सिंथेसाइज होता है, CDK1 G2 के दौरान होता है, लेकिन दोनों का एक्टिवेशन अभी नहीं होता क्योंकि अगर बन जरूर जा रहे हैं CDK S फेज और G2 के दौरान, लेकिन एक्टिवेशन कहाँ पे होता है? एक्टिवेशन होता है आपके जो है प्रोफेज में जाके या लेट जो है G2 फेजेस में। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग दैट कि इनका फॉस्फोराइलेशन होता है इनहिबिटरी साइट पे, और इनहिबिटरी साइट जो है वो TY14/15 और वो करता है V1 काइनेटिक्स, और जिसकी वजह से ये काम होता है, और ये तब तक रहेगा वंस द DNA रिप्लिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे DNA रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है देन देयर इज अ सिग्नल, दैट सिग्नल वो सिग्नल जो है CDC फॉस्फेटेजेस CDC25 को एक्टिवेट करता है, और ये CDC25 जो है क्या करेगा इस इनहिबिटरी जो फॉस्फेट्स है Threonine-14 और Tyrosine-15 का उनको हटाता है, और CDC25C CDC25B दोनों का रोल मैंने आपको बताया था कि दोनों है जो है काम करते। अब इसके साथ साथ यहाँ पे सेल साइज का जो भी रोल यहाँ पे आता है, अब सेल साइज जो है ऑल्सो अफेक्ट्स दिस रेगुलेटरी रूल। सेल साइज में मैंने अगर एक साइजर प्रोटीन की बात करी थी CDR2 जो कि ईस्ट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी V1 और CDC25 का रोल जो है वो आता रहता है। याद रहे कि यहाँ पे फिर से मैं एक बार मेंशन कर दूं कि CDK1 का दूसरा नाम जो था पहले नाम था CDC2, और साइक्लिन बी का ओरिजिनल नाम जो था या पहला नाम जो था वो CDC13 था, ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आ सकता है अलग नाम के तौर पर। अब देखो जैसे ही सेल एक अप्रोप्रिएट साइज तक रीच कर गया, अगर रीच नहीं किया रहेगा तब तो फिर जो है CDR2 इनहिबिट कर देगा V1 को और सेल साइकिल जो है वहां पे रुका रहेगा क्योंकि आगे बढ़ेगा नहीं चीजें, तो ये काम जो है CDR2 चेक करता है कि भाई चलो अप्रोप्रिएट साइज आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है CDR2, जैसा मैंने बताया कि अगर अप्रोप्रिएट हो जाएगा तो CDR2 चेक करेगा और इनहिबिट करेगा V1 को और अलाउ करेगा CDC25 को कि वो माइटोटिक CDK को एक्टिवेट करे। अब जैसे CDK1 और साइक्लिन बी एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट इज माइटोटिक साइक्लिन 1B जिसे बोला जाता है, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं लैमिन को, गॉल्गी प्रोटीन को, कंडेंसीन को, सेंट्रोसोम्स को, बहुत जगहों पे फॉस्फोरिलेशन शो करते हैं लैमिन को, और साथ साथ में फॉस्फोरेट करते हैं FG NURBS को, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली हो जाती है, गॉल्गी ER का फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स बन जाते हैं, और जो भी वेसिकल्स बनते हैं इन वेसिकल्स के साथ जो एसोसिएटेड होता है, वैसे तो लैमिन के कई टाइप्स है लेकिन जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड या वेसिकल एसोसिएटेड होता है वो लैमिन जो है वो बी होता है, और जो ए और सी होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके बाद साथ ही में ये जो CDK1 और बी होते हैं ये प्रमोट करते हैं सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स। याद है डुप्लीकेशन जो स्टार्ट करवाता था वो 2 और E करवाता था, लेकिन सेपरेशन जो करवाता है वो आपके 1B करवाते हैं। सेपरेशन के साथ साथ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे आप शो कर, अब स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे पोलो लाइक काइनेजेस अरोरा बी काइनेजेस का आप रोल शो करते हो। अब स्पिंडल फाइबर में यहीं पे रोल आता है दैट इज NDC-AT, और NDC-AT के साथ जो है वो कुछ पोलो लाइक काइनेजेस भी रहते तो या अरोरा काइनेजेस है। अब यहाँ पे जो काइनेज होता है अरोरा बी नहीं होता, अरोरा ए होता है, और ये जो है वो स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो अटैचमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एम्फीटेनिक, दोनों तरफ टेंशन होना चाहिए, टेंशन होगा तो NDC दूर होगा, दूर होगा तो अरोरा ए काइनेजेस फॉस्फोलेट नहीं कर पाएगा NDC-AT को, तो जिसकी वजह से जो है फिर बाकी का प्रोसेस परफॉर्म होता है, लेकिन अगर NDC-AT फॉस्फोराइलेटेड रहेगा तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच ही नहीं होगा। तो याद रखें NDC-AT का अनफॉस्फोराइलेटेड होना अच्छी बात है, तो वही चीज है कि यहाँ पे जो अरोरा ए है,
अरोरा ए का जो है यहाँ पे अरोरा बी लिखा हुआ है, अरोरा ए होगा या अरोरा बी होगा? अरोरा ए होगा। अरोरा ए जो होते हैं बेसिक तौर पे, अरोरा ए एन एनडीसी एटी चेक द काइनेटिक और एम्फीटेलिक अटैचमेंट, ये चेक करेंगे कि भैया अटैचमेंट सही है कि नहीं है। एंड उसके बाद सीडीके वन और साइक्लिन बी ऑल्सो फॉस्फोरेट सेपरेजेस, ये जो है सेपरेजेस को भी फॉस्फोरेट करते और इनको जो है इनएक्टिव करके रखे रहते, क्योंकि सेपरेजेस अभी एक्टिव हो जाएगा तो गेम मतलब जो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन सही होना चाहिए वो होगा नहीं। पता लगा स्पिंडल फाइबर सही अटैच ही नहीं है, सेपरेज उनको कोएसिन को हटा के सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करा दे रहा, तो इसलिए जो है इसको हटाना बहुत जरूरी होता है। एंड ये काम होता है सीडीसी 20 के द्वारा। सीडीसी 20 एक्टिवेट होता है एनाफेज में और एक्टिवेट करता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स से साइक्लोसोम को, और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स से साइक्लोसोम पॉलीयुबिकिनेट करेगा सेक्यूरिन और साइक्लिन को, और सेक्यूरिन का प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन होगा, फिर सेपरेज जो है रिलीज हो गए, डिफॉस्फोराइलेटेड होंगे और फिर वो एक्टिवेट करेंगे, क्लीव करेंगे SSC1 सब यूनिट्स को और कोहेसिन जो है वो टूट जाएगा और फिर जो है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन हो जाएगा। ये कहानी है आपके मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन की। अब इसके बाद आता है एग्जिट, तो सीडीसी 14 जो कि लेट एनाफेज के दौरान एक्टिवेट होती है। सीडीसी 14 एक फॉस्फेटेज है और ये सीडीसी 14 रिमूव कर देता है फॉस्फेट फ्रॉम CDH1, क्योंकि CDH1 जो कि फॉस्फोराइलेटेड था बाय द 1B या बाय द जो है 2E, इसको फॉस्फोरिलेट करके कौन रखा था, 2E भी रखा था और 1B भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस CDH1 जो फॉस्फोरिलेटेड इनएक्टिव करके रखा गया है भाई साहब को, इसको रिमूव करता है CDC14 और जैसे ही ये अनफॉस्फोरिलेटेड होता है ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही ये बाइंड कर लेता है किसके साथ, ये बाइंड कर लेता है आपके जो है APC के साथ, और APC अब एक्टिवेटेड है, और APC एक्टिवेटेड है CDH1 से, CDC20 से नहीं, और जिसकी वजह से ये साइक्लिन बी को तो तोड़ता है तोड़ता है, साथ में साइक्लिन ए को भी तोड़ता है, साइक्लिन ई को भी तोड़ता है, जिससे कि एस फेज के साइक्लिन और माइटोटिक साइक्लिन दोनों डिग्रेडेड है, तो जिससे कि अब जो सेल साइकिल है वो टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में जाएगा, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय जीवन फेज, मतलब अब साइटोकाइनेसिस के बाद जीवन फेज में आसानी से जाएगा, डायरेक्टली स्विच नहीं कर देगा एस फेज या माइटोटिक फेज में। दिस इज हाउ द सेल साइकिल अंडर्स। क्लियर यहां तक? क्या हाँ जी मैम, क्या क्लियर है या नहीं? ये दो स्लाइड्स जो आपको बताए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी चीज जो है यहाँ पे क्लियर यहाँ पे रखी गई है, अगर दिमाग में रखे रहोगे तो ठीक ठाक है, नहीं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर उसी चीज को यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स के साथ मेंशन करने की कोशिश करूँ, तो वैसे तो ऐसे डायग्राम्स बहुत सारे हैं अवेलेबल कुछ कुछ इंटरनेट पे, लेकिन जितनी चीजें मैंने बताई लेट्स सी कि क्या हम उसे कंपाइल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट। चलोगे क्या कंपाइल करने? अच्छा ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं, मैं सेल साइकिल को देख लेता हूँ। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जीवन फेज की बात करें, तो जीवन फेज से फिर जीवन एस ट्रांजिशन होगा, फिर एस फेज आएगा, जीवन फेज है, फिर आपके पास एस फेज आ जाते हैं, जीवन एस, देन उसके बाद आ जाएगा आपके पास G2 फेज। अब जीवन फेज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ग्रोथ फैक्टर आपके पास काम करता है, ग्रोथ फैक्टर ही जो है, अभी मैं बाकी की कहानी की चर्चा नहीं करूँ, मतलब साइकिल को लेके चल रहे शुरू से फिर से, तो ग्रोथ फैक्टर होगा, और ग्रोथ फैक्टर जो है जिस पाथवे को जनरली ऑन करता है, और भी पाथवेज है मोस्टली जो मैं यहाँ मैं कर रहा हूँ रैस MAPK से, और रैस MAPK से जो है वो 4,6-D एक्टिवेट होता है, और 4,6-D जो है ये फॉस्फोराइलेट करता है किसको, रेटिनोब्लास्टोमा को, और रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट होता ही, रेटिनोब्लास्टोमा जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही इनएक्टिव होगा यहां से आपके क्या फ्री होंगे, E2F3, तो ये कहानी थी E2F3 हो रहा, और जीवन से एस ट्रांजिशन में इनका रोल आप शो कर रहे थे,
जीवन का रोल है। एस तो E2F जो है अब बहुत सारे काम करता है यहाँ पे। अब E2F से पहले अब यहाँ पे E2F जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और क्या बनाएगा, 2E बनाएगा, 2A बनाएगा। ठीक है, अब 2A जो थोड़े बहुत रहते भी हैं, थोड़े बहुत 2A जो एक्टिवेटेड हैं या नहीं है, थोड़े बहुत बेसल लेवल जो 2A है उनको इनहिबिट करके भी तो रखा रहता है। 2A इनहिबिटेड बाय द दैट इज SIC1 इन द ईस्ट प्रोटीन 27 या APC CDH1। तो ये 2E जो है वो सभी को फॉस्फोराइलेट करेगा। कौन सभी को? SIC1 को करेगा। ये जो है SIC1 को फॉस्फोराइलेट करेगा, तो SIC1 फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा, प्रोटीन 27 फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा एंड APC CDH1 या खासकर CDH1 जो है वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। और अगर ये फॉस्फोराइलेटेड है तो इनको कौन रिकॉग्नाइज करता है? SCF। और ठीक SCF जो है एक्चुअली में क्या करवाता है? प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करा, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करा देगा। अब इसके बाद जो है ये 2A स्टेबलाइज हो जाएगा, और 2A स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या करेगा फिर ये? जैसे 2A स्टेबलाइज होगा, पहला काम कि यहां पे याद रहे कि E2F जो है फॉस्फोरिलेशन के साथ साथ या 2E जो बन रहा है साथ में यहां पे क्या होगा, हेलिकेज की लोडिंग, हेलिकेज की लोडिंग भी हो रही थी। अब इसके बाद जो 2A होता है इसमें CDK2 है और ये है, तो फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फोरिलेशन ऑफ, मैं फॉस्फोरिलेशन को हमेशा ऐसे शो कर रहा हूँ P से, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स CDC6 एंड CDT1 इसका करता है। और कुछ यहाँ पे DDK भी होते हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं, दे आर द फॉस्फोरिलेशन ऑफ MCM हेलिकेज। तो MCM हेलिकेज का फॉस्फोरिलेशन होते ही वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जबकि जो है ORC CDC6 और CDT का फॉस्फोरिलेशन होते ही ये रिलीज हो जाते, और रिलीज हो जाएंगे तो ये इनएक्टिव कर दिए जाते। और इनएक्टिव कौन करता है इन्हें? एक प्रोटीन होता है जो इनको इनहिबिट करके रखता है जिसको बोलते हैं जेमिनी। ये यहां तक की कहानी है, CDK DDK की कहानी हो गई, हेलिकेजेस हो गए, एस फेजेस में सारी चीजें परफॉर्म हो रही थी। अब कुछ और फिनोमेना यहाँ पे परफॉर्म होता है। 2E सिर्फ और सिर्फ हेलिकेज की लोडिंग के साथ साथ एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या? फॉस्फोराइलेशन के अलावा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का स्टार्टिंग, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इनिशिएशन जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो भी परफॉर्म करता है। कौन? वो भी 2E परफॉर्म करता है। तो 2E बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। E2F से जो 2E बन रहा था, पहली बात तो वो 2E वापस जाके फॉस्फोराइलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा को पॉजिटिव लूप साइकिल के थ्रू, और साथ में जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा होगा तो E2F को और बनाएगा, और E2F से और 2E बनेगा, और 2E के साथ साथ जो है 2A भी बनेगा। ये सब जो है काम बेसिक तौर पे हो रहे थे। और 2A क्या क्या कर रहा था आपने देखा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रहे हो तो सारी चीजें आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से चीजें चल रही थी। नाउ एस फेस सी डी की सिर्फ और सिर्फ CDC6 और ये एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मेंशन कर देते हैं कि एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो ठीक है। तो CDK जो है 2A ये फॉस्फोरिलेशन करने के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन ऑफ हेलिकेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, और हेलिकेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्सेस में जो CDC45 जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो मैं हेलिकेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेंशन कर। साथ में एक इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पे भी आएगा, क्या? कि जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अगर रिप्लिकेशन नहीं होगा तो आपके कोहेसिन की लोडिंग नहीं होगी, डिसोसिएशन होगा। अगर रिप्लिकेशन यस, अगर रिप्लिकेशन नो, अगर रिप्लिकेशन नो होगा तो क्या होगा, PDS5 और VIP1 एक्टिव रहेंगे और कोहेसिन का क्या होगा, डिसअसेंबली होगा।
डिसअसेंबली ऑफ कोहेसिन होगा। और अगर रिप्लिकेशन यस हो गया, मतलब रिप्लिकेशन है वहां पे, तो क्या होगा जनाब? रिप्लिकेशन है तो यहाँ पे कोर, वो ये हो जाएगा कोर एसिटाइलेट करेगा ऑफ FLC3 को, जिससे क्या बाइंड करेगा? सोरोनीन। और फिर कोहेसिन क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज। ये कहानी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एस फेजेस, ये चीजें चल रही थी, एस फेज चलते 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 चलते, अब देखो एस फेज में लगभग सारी कहानी हो गई। तो यहां पे आएगा अब MPF। कौन MPF आएगा? MPF आएगा 1A, और 1A क्या करवाएगा? G2 फेज में ट्रांजिशन इसमें लेके जाएगा, G2 फेज में। अब G2 फेज जो है इसको बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए इसको ज्यादा वो तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि मेंशन कर दिया जाता है, तो ठीक है मैंने वो मेंशन कर दिया। अब G2 फेज में कुछ प्रोसेसेस हो जाने के बाद लेट G2 फेज आएगा, और जैसे लेट G2 फेजेस आते हैं, लेट G2 फेजेस में क्या होगा फिर? अरोरा काइनेटिक्स और सम ऑफ द PLK1 पोलो लाइक काइनेटिक्स, ये किसको फॉस्फोरिलेट करेंगे? सेंट्रोमेरिक कोहेसिन को या आर्म्स कोहेसिन को? आर्म्स कोहेसिन। और जबकि कौन प्रोटेक्ट करता है? शुगोशीन और PP2A, ये प्रोटेक्ट करते हैं सेंट्रोमेरिक कोहेसिन को, ठीक है। ये कहानी हो गई, तो आम से हट जाता है। अब लेट G2 के बाद फिर क्या, कौन सा फेज आएगा? प्रोफेज। प्रोफेज माइटोसिस अब धीरे धीरे एंट्री कर गया, क्योंकि जैसे ये होता है अब धीरे धीरे प्रोफेज आ गया। अब जैसे प्रोफेज होता है बहुत सारा फिनोमेना यहाँ पे ऑपरेट होगा, इसलिए ध्यान रहे इस आई की। तो प्रोफेज से जो है बहुत सारे फिनोमेना ऑपरेट करवाते हैं धीरे धीरे करके, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, इससे पहले क्या CDK और साइक्लिन, जैसे एस फेज में ही, जब ये मैं एस फेज को शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एस फेज ही चल रहा है, मतलब मैं अगर हाईलाइट करूँ तो लगभग ये एस फेज ही है। तो इस एस फेज में ही जो है और भी तो काम हो रहा है, जैसे सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन बी, क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन बी होगा। और G2 फेज में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ CDK1। देखो CDK1 यहां बन गया है, साइक्लिन भी यहां बन गया है, तो क्या साइक्लिन, CDK1 और साइक्लिन भी आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते? जुड़ सकते हैं ना, CDK1 और साइक्लिन भी जुड़ सकते हैं, इनका जो है एक्टिवेशन लूप जो है एक्सपोज हो सकता है। मैं वन और मतलब CDK और साइक्लिन का डिटेल मैकेनिज्म बता चुका हूँ, एक्टिवेशन लूप, थ्रियोनिन, ये सब चीजें बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ इनहिबिटरी साइट्स होंगे, सो दी इनको जो है 1B को इनिबिट करके रखा जाएगा, और 1B को इनिबिट करके रखा जाएगा थ्रियोनीन 14 पे फॉस्फोराइलेशन करके, और टायरोसिन 15 पे फॉस्फोराइलेशन करके। ये करने का काम कौन करता है? V1, ठीक। तो V1, अब देखो प्रोफेज में एंट्री करने से पहले यहाँ पे कुछ साइजर प्रोटीन्स होते हैं, खासकर सैक्रोमाइसिस पोम्बे में। मैं अगर सैक्रोमाइसिस पोम्बे का एग्जांपल लू, तो वहां पे एक मैंने एक केस बताया था CDR2। CDR2 विल चेक द साइज, अगर साइज ठीक ठाक है तो ठीक है भैया, नहीं है तो फिर यहीं पे रोकेगा वो। लेकिन अगर CDR2 साइज बोला कि नहीं प्रॉपर है, तो CDR2 क्या करेगा? इट इनहिबिट्स V1, क्या करता है ये? V1 को इनहिबिट करता है। तो CDR2 इनहिबिट करेगा V1 को, यानी कि अब V1 को इनहिबिट करने वाला अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ तो CDR2, और जैसे V1 को इनहिबिट करेगा, और अब 1B को एक्टिवेट करने वाला यहाँ पे ये CDC25B। सबसे पहले क्या आता है? B आएगा, फिर उसके बाद कौन आता है? C आता है। दो लूप बनते हैं B और C का, तो दो दोनों पॉजिटिव लूप एक दूसरे को करते रहेंगे। अब इस तरीके से 1B यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो 1B का एक्टिवेशन होता है प्रोफेज में प्रॉपर। अब 1B एक्टिव हो गया, इसमें तीन प्रोटीन के रोल आपने शो कर दिए।
जैसे वन बी एक्टिव होता है, क्या करेगा अभी ये वन बी? सबसे पहला काम करेगा लैमिन का फॉस्फोरिलेशन, लैमिन का फॉस्फोरिलेशन एज वेल एज एफ जी नक्स का फॉस्फोरिलेशन, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, या जो है डिसअसेंबल हो जाएगा। साथ में ये फॉस्फोरिलेशन करता है, और किसका फॉस्फोरिलेशन करेगा, गॉल्गी प्रोटीन्स और ईआर प्रोटीन्स का, जिससे वो क्या बना देते हैं, वेसिकल्स। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा तो वेसिकल्स बनाएगा, तो किससे एसोसिएटेड होगा, लैमिन ए सी से या लैमिन बी से? लैमिन बी से। और साथ में जो है ये सेंट्रियोल का सेपरेशन कराएगा कि नहीं कराएगा, सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेटेड हो चुके थे, सेंट्रियोल का सेपरेशन भी करा रहा है, सेंट्रियोल भैया सेपरेट हो दो। और इसके साथ भी क्या करा रहा है ये, अगर ध्यान दीजिए तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन का स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी करवा रहा है, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन और अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द काइनेटोकोर। तो अटैचमेंट टू काइनेटोकोर, और अटैचमेंट टू काइनेटोकोर में कौन कौन से प्रोटीन काम करते हैं, एनडीसी एटी और अरोरा ए वाले। ठीक, अब इसके साथ ही जो है यहाँ पे जीव प्रोफेज में ही, अभी देखो इतने सारे काम प्रोफेज में हो रहे हैं, इसके साथ ही प्रोफेज में ही क्या होता है आपके पास, दैट कॉन्डेंसीन आएगा। अब आता है कॉन्डेंसीन, पहले कॉन्डेंसीन टू होता है, कॉन्डेंसीन टू जो है वो इंट्रा क्रॉस लिंकिंग करेगा, इंट्रा क्रॉस लिंकिंग करे, और इंट्रा क्रॉस लिंकिंग कंडेंसिंग टू याद रहे एस एम सी टू और एस एम सी फोर से बना होता है। ठीक है, और ये हो जाने के बाद, ठीक है, जैसे कहानी इतनी हो गई, इंट्रा क्रॉस लिंकिंग हो गया, फिर आपके पास आता है प्रो मेटाफेज, ये सारे काम हो जाते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कंडेंसिंग वन के बाद आता है कंडेंसिंग टू के बाद आता है कंडेंसिंग वन, जो फर्दर उसको जो है वो कंडेंस करता है। टू और वन आ जाने के बाद ये आता है प्रो मेटाफेज, प्रो मेटाफेज के बाद मेटाफेज में वो जाएगा इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रो मेटाफेज से वो मेटाफेज पे गया, मेटाफेज पे इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो गया, अब से जो है सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करना है एनाफेज में, तो मेटाफेज से एनाफेज की कहानी आएगी। तो यहाँ पे अब जरा सा बताइए कि मेटाफेज से एनाफेज में क्या क्या होगा। टेम्पल मेटाफेज से एनाफेज में सबसे पहले तो CDC20 आएगा ना भाई, CDC20 के बोल जा रहे हैं स्टेप सब, CDC20 आएगा, CDC20 बाइंड करेगा APC से, और फिर जैसे हो जाएगा APC, जब CDC20 से बाइंड कर जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, और जब एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, यूबीक्विटिनेट करेगा, किसको, पहले तो साइक्लिन बी को करेगा, और साथ में करेगा सेक्यूरिन को, सिक्योरिटी और इन सब का दोनों का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन। और जैसे डिग्रेडेशन हो जाएगा फिर आपके पास एपीसी क्या करेगा, एपीसी सेक्यूरिन का डिग्रेडेशन होते ही सेपरेज फ्री, और सेपरेज फ्री होगा तो क्लीव करता है SCC1 को, अगर माइटोसिस होगा तो SCC1 को करेगा, मियोसिस होगा तो मियोसिस 2 में जाकर REC8 को करेगा, ये कहानी होती है सेपरेज की। अब सेपरेज ने ये काम कर दिया, क्लीव होते ही क्या हो जाएगा, कोएसिन टूट जाएगा, कोएसिन ब्रेक हो जाएगा, और कोएसिन ब्रेक हो जाएगा तो सिस्टर क्रोमेटिड का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेट होने, क्योंकि वही जो टेंशन था NDCAT और बना के रखे हुए, मतलब स्पिंडल फाइबर अटैच था तो दोनों तरफ टेंशन थे ऑलरेडी, जिसकी वजह से प्रॉपर एम्फीटेलिक अटैचमेंट में कोहेसिन ही था जो उस टेंशन को रोक के रखा हुआ था, जैसे ही कोहेसिन टूटता है तुरंत जो है वहां से सेपरेशन शुरू हो जाता है, और सेपरेशन होने लगेगा। और लेट एनाफेज में ही एक और प्रोटीन आता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, वो प्रोटीन लेट एनाफेज में आएगा,
लेट एनाफेज में आता है CDC14। CDH1 तो पढ़ा हुआ है पहले से, वो अनफॉस्फोरिलेटेड था। ये CDH1 क्या करता है, रिमूव करेगा क्या, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम CDH1। CDH1 से और CDH1 अब किससे जुड़ जाएगा भाई, APC से, ओके और ये बना देगा अब आपका APCCDH1। CDC14 सिर्फ फॉस्फेट रिमूव करता है CDH1 से या SIC1 से भी करता है। साइक्लिन 1B के जो फॉस्फेट है, एक्टिवेटिंग फॉस्फेट, उसको भी हटाता है। एक्टिवेटिंग फॉस्फेट का मतलब ये 1B का जो थ्रियोनीन 160 याद है, उसपे फॉस्फेट था, सैक काइनेजेस। अगर मैं इस पे बोलूं तो आपने थ्रियोनीन 160 का नाम सुना है ना, जो CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, याद हो, एक्टिवेटिंग साइट और इनहिबिटरी साइट, ये चीज आपको बताई गई थी। किसी भी CDK पे एक्टिवेटिंग साइट कौन था, थ्रियोनीन 160 और इनहिबिटरी दो थे, इनहिबिटरी जो थे वो था थ्रियोनीन 14 और टायरोसिन 15। ठीक है, अब ये जो है वही चीज है कि यहाँ पे थ्रियोनिन 160 को हटा के जो है इनएक्टिवेट करता है CDC14, जिससे एग्जिट होने में मदद मिल जाती है। अब APC CDH1 क्या करेंगे, APC CDH1 यूबीक्विटनेट करेंगे, वही काम करेगा जो कि यूबीक्विटनेट करेगा पहले तो साइक्लिन बी को, और साथ में यूबीक्विटनेट करेगा साइक्लिन ई और ए को भी, जो कि एस फेज वाले हैं। अब इसके बाद ये क्या जाएगा, टीलो फेज में, फिर किसमें जाएगा, टीलो फेज में, और फिर साइटोकाइनेसिस में, और साइटोकाइनेसिस के बाद आप किस में जाएगा, जीवन फेज में। अच्छा और फिर जीवन फेज में वही कहानी शुरू होगी अगेन, ग्रोथ फैक्टर है तो फिर चलता है। दिस इज योर होल साइकिल, क्लियर है। थोड़ा सा जो है वो हैंड राइटिंग अवॉइड करिएगा, आप अपने हिसाब से बना लेना, क्योंकि इसको थोड़ा सा और बड़ा पेज होना चाहिए बनाने के लिए, बट क्योंकि एक साइकिल था, लेकिन अगर आप इसको अपने हिसाब से एक बार ड्रॉ कर लोगे तो पूरी सेल साइकिल जो है दिमाग में छप जाएगी। अब मैंने तो इतनी कोशिश कर ली है, बाकी मर्जी आपकी है।